मैं बोधन एमएलए शकील बात कर रहा हूँ। मेरी बोधन पुलिस से रिक्वेस्ट है, स्पेशली एसीपी जयपाल रेड्डी से, इंस्पेक्टर राकेश से और जितने भी पुलिस वाले हैं तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोगों को गैर जरूरी मारना रोडों पे बंद करिए। आप लोग ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक हद तक जो जो आपके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे उनको वो टाइम के हिसाब से मारे करे ठीक है, वो समझ में आती बात। जबरदस्ती के लोगों को मारना, जबरदस्ती के जुलूम करना, फ्रैक्चर कर देना, ये करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करेंगे तो अच्छा अच्छी बात नहीं होगी, इसका रिवर्स जवाब मिलेगा पब्लिक से आपको। ये बिल्कुल गलत तरीका है, मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, ये हरकत बंद कर दीजिए। जो टाइमिंग्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए रूल्स कि भाई 3 घंटे में तरकारी खरीद सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, मेडिकल को जा सकते, जो लोग इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। उनको घर के बाहर निकाल के तुम काम पे तरकारी लाने जा रहे, घर के बाहर निकल रहे देख के तुम मारना टारगेट करके, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत है, ये अच्छी चीज नहीं है। और स्पेशली ये कम्युनिटी को टारगेट करना बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं बोधन पुलिस को वार्न कर लूं नहीं तो अच्छी बात नहीं रहेंगी। मैं आपको समझा समझा के थक गया, आपके कमिश्नर को फोन कर दिया, आपको कर दिया, एसीपी को बोल दिया, सबको बोल दिया, कमिश्नर को 4 बार बोला अभी तक। समझ में नहीं आ रही क्या बात आप लोगों को भी? आम आदमी को ऐसा तकलीफ देना, ड्यूटी करे ड्यूटी, आपका काम है ड्यूटी करना, ड्यूटी करो आप, लेकिन ऐसा पब्लिक को अननेसेसरी हरासमेंट करना मारना ये अच्छी चीज नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये अच्छी बात नहीं रहती। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे बिल्कुल ये मारम तोड़ी बंद कर दीजिए, फ्रेंडली पोलिसिंग करिए, फ्रेंडली समझाइए लोगों को, एक टाइम दीजिए, वो टाइम में लोग बाहर निकलते अपना क्या खरीदना है खरीद दे, वो टाइमिंग से हटके कोई गलत काम कर रहे तो मैं किसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जब आप जो करने का है करो आप कानून के हिसाब से, लेकिन ये गैर जरूरी किसी को मारना तोड़ना ये अच्छी चीज नहीं है। इसको आप फौरन से फौरन इमीडिएट बंद करना, निजामाबाद जिले में रहें दो, बोधन में रहें दो, कहीं भी रहें दो, ये अच्छी बात नहीं है। ये